तो भाई इसमें नमक डालने के बाद आपको घी डालना है और घी गर्म होना चाहिए। और भैया कितना घी डालेंगे इसमें? ये देखो पीस इसके छोटे छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन जब ये तलेंगे ना तो अपने आप ये बड़े हो जाएंगे। तो भाई ये देखो इसका रंग यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया और कितनी अच्छी लग रही है, फुली फुली सी। तो भाई ये देखो यहाँ पे हमारे नमक पारे बनके रेडी हो चुके हैं। एक बार इनका क्लोजअप दिखा देता हूँ आपको। ये देखो फुल के बहुत ही अच्छे निकले हैं ये। तो भाई यहाँ पे हम बना रहे हैं नमक पारे हलवाई स्टाइल में, जैसे दुकानों में आपको मिलते हैं, मार्केटों में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आधा किलो मैदा लिया और उसमें क्या डाल रहे हैं भैया? अजवाइन कितनी डालेंगे? करीब एक चम्मच। एक चम्मच उसमें अजवाइन डालेंगे। ठीक है भैया डाल दो। ये अजवाइन डाल दिए और अब इसमें देखेंगे क्या क्या डलेगा और कैसे इसको गूंदना है, इसका मैदा कैसा रखना है, सॉफ्ट रखना है, हार्ड रखना है। तो इसमें अजवाइन डालने के बाद इसमें डालना है नमक। और नमक कितना जाएगा भैया आधा किलो मैदा में? करीब एक चम्मच। एक चम्मच के करीब इसमें नमक जाएगा आधा किलो मैदा में। तो भाई इसमें नमक डालने के बाद आपको घी डालना है और घी गर्म होना चाहिए। और भैया कितना घी डालेंगे इसमें? घी 100 ग्राम। 100 ग्राम घी डालना है आपको आधा किलो मैदा में। ये डाल दिया भैया ने इसमें और अब इसको गूंदेंगे। ये देख लिए तो भैया को इसको गूंदने देते हैं अच्छे से, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा रखना है, ये सॉफ्ट रखना है, टाइट रखना है, कैसा रखना है। और जैसे हम घर में आटा गूंदने हैं आपको इसको वैसे ही गूंदना है और पानी धीरे धीरे करके डालना है, जैसे हम आटा गूंदते टाइम डालते हैं घर में। और जैसे हम आटा रखते हैं रोटी बनाने के लिए, उससे थोड़ा टाइट आपको रखना है ये मैदा। फिर भी एक बार जब ये रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कितना टाइट रखना है आपको। तो भाई ये देखो ये हमारा मैदा यहाँ पे रेडी हो चुका है नमक पारे बनाने के लिए। तो भैया दिखा दो एक बार कितना हार्ड रखना है। ये देखो इतना हार्ड आपको रखना है जितना हम आटा लगाते हैं घर में रोटी बनाने के लिए, उससे थोड़ा सा हार्ड आपको रखना है। और यार एक बात होती है, जैसे शॉप में हम जाते हैं तो उनके नमक पारे काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्रंची रहते हैं और लंबे लंबे पतले पतले रहते हैं। वो देख लेंगे कि उसका स्टाइल क्या होता है इनका काटने का, तो वो आगे प्रोसेस में देखेंगे कैसे ये काटते हैं, कैसे बनाते हैं। तो भाई ये देख लो, ये सबसे मेन होता है, ये चीज़ घर में नहीं हो पाती। मैं आपको बिल्कुल पतला करना है, ये रोटी से भी पतला करना है इसको, तभी उसमें क्रंचीपन आ पाएगा। ये देख लो पूरे चकले में फैला दिया भैया ने। ये गोली दिखा देता हूँ इसकी कितनी बड़ी भैया बनाई है भैया ने। ये इसकी गोली है और अब देख लो इसकी कटिंग कैसे कर रहे हैं। ये देख लो एकदम सीधी सीधी जा रही है, जैसे किसी ने स्केल लगा के काटा होगा। हमसे तो घर में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो आपसे तो नहीं हो पाएगी ऐसी सीधी सीधी, तो आप स्केल लगा के ही काटना और फिर ऐसे आपको ऐसे थोड़ा टेढ़ी शेप में काटना है। ये देखिए, ये देखो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और अभी आपको इसके पीस ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे, एक सेकंड का, ये देखो पीस इसके छोटे छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन जब ये तलेंगे ना तो अपने आप ये बड़े हो जाएंगे। पीस देखो इसके पीस दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं पीस इन्होंने। इस तरीके से आपको गूंदना है, देख ही लिया आपने गूंदना कैसे, इस तरीके से आपको बेलना। ये देख लो दोबारा से भैया ने बना दिया, इतनी बड़ी रोटी बना दी है इसकी। और अब इसके पीस करेंगे, दोबारा देख लो एक बार आप। ऐसे ऐसे काटना है आपको एकदम सीधा सीधा। दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ये ऐसे काटते हुए देखना। ये ऐसे आपको ऐसे टेढ़े में काटने हैं। तो भाई नमक पारे का मैदा हमने देख लिया था कैसे गूंदना है, उसमें क्या क्या मिलाना है और उसकी कटिंग कैसे रखनी है सबसे मेन बात, क्योंकि उसकी कटिंग वैसे आ नहीं पाती है इस तरीके की, ऐसी वाली कटिंग आ नहीं पाती है घर में। तो ये कटिंग हमने देख ली थी कैसे रखनी है। और तेज आंच में ही पकाना है भैया इसे? और कितनी देर में पक जाएगा ये? 2-4 मिनट। तो ये आपको तेज आँच में ही पकाना है इसको और 2-4 मिनट में ये पक जाएगा। और शुरू में आपको ऐसे करना है जैसे भैया कर रहे हैं, ये अलग अलग करना है वरना आपस में ये चिपक जाएंगे इस तरीके से। तो देखो जब ये कटा था कितना छोटा लग रहा था, लेकिन अब देखो फुल के कैसे ये बड़ा हो गया है। ये इसमें करची चलाते रहनी है या बस चलती रही थोड़ी थोड़ी? हाँ, तो इसमें आपको करची चलाते रहनी है, रोकनी नहीं है। ये देखिए जैसे भैया इसको चला रहे हैं करची को, आपको ऐसे चलाते रहना है। तो इसको आप पकने देते हैं कितने, फिर भी कितने मिनट में पक जाएगी भैया ये? 5 मिनट मैक्सिमम इसको 5 मिनट लगेंगे पकने में। तेज आंच में आपको इसको पकाना है और करची चलाते रहनी है। तो 5 मिनट इसे पकने देते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कैसा लग रहा है दिखने में।
भाई ये देखो इसका रंग यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया और कितनी अच्छी लग रही है, फुली फुली सी धीरे धीरे फूल रही है ये। तो इसे प्रॉपर अब पकने देते हैं, उसके बाद देखेंगे इसे। तो भाई ये देखो यहाँ पे हमारे नमक पारे बन के रेडी हो चुके हैं, एक बार इनका क्लोजअप दिखा देता हूँ आपको। ये देखो फुल के बहुत ही अच्छे निकले हैं ये। तो चलिए सीख लिया आपने कैसे मैदा गूंदना है, कैसे कटिंग करनी है, कितनी देर तक इनको तलना है, आँच कैसी रखनी है। तो ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।